नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि न तो समाजवादी पार्टी और न भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में आने वाली। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। वहीं बसपा नीटा ने समाजवादी पार्टी के उस दावे पर भी तंज कसा है, जिसमें एसपी ने दावा किया था कि जब वह राज्य में 400 सीटें जीतेगी, बीएसपी ने कहा कि जब आपके पास 400 उम्मीदवार होंगे नहीं तो आप 400 सीटें कैसे जीतेंगे। अभी तक बीएसपी चीफ मायावती ने राज्य में होने वाले चुनाव के लिए रैलियां नहीं की हैं, जबकि सभी सियासी दलों ने राज्य में चुनाव प्रचार काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था। हालांकि मायावती के तर्क थे कि वह जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रही हैं। पिछले दिनों ही मायावती ने दावा किया था कि यूपी और पंजाब में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। राज्य में जनता एसपी और बीजेपी को नकार रहे हैं और जनता का विश्वास बीएसपी के साथ है। इसके अलावा बीएसपी चीफ ने चुनाव सर्वेक्षण को लेकर के भी सवाल उठाए थे और कहा था कि 2007 में चुनाव सर्वेक्षण में बीएसपी को दौड़ से बाहर बताया गया था, जबकि चुनाव के बाद राज्य में बीएसपी ने सरकार बनाई थी। फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 जनवरी तक सभी रैलियों और चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। वहीं चुनाव आयोग ने सभी सियासी दलों से डिजिटल मीडिया के जरिए प्रचार करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में मतदान होना है। मतगणना 10 मार्च को होगी, लेकिन देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो मायावती कह रही हैं, क्या उनकी दावे सही साबित हो सकते हैं, क्योंकि मायावती अब तक ग्राउंड पर काम करती हुई नहीं दिख रही है और ना ही उनकी पार्टी व्यापक स्तर पे जिस तरीके से सपा बसपा या कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, वैसे क्या मायावती आपको दिखाई दे रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।